हेलो फैमिली, स्टाइल विद एजी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ एक और वीडियो लेके। आप अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो है स्किन केयर के ऊपर। आई नो आप बोलोगे कि स्किन केयर कर रही हो और इतना सारा मेकअप, तो हम बहुत सारा मेकअप लगाते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन स्किन केयर करना भूल जाते। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए नीम के पत्ते। उसे हमने तोड़ के ऐसे प्लेट में फैला लिया है और उसे हम सूखने के लिए रख देंगे, ड्राई होने के लिए रख देंगे। धूप में नहीं, घर में ही आपको ड्राई होने के लिए रख देना है 20 से 21 दिन के सूखने के बाद वो ऐसे दिखेंगे। और फिर एक मिक्सी जार में आपको उसे पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, और फिर आपको प्लेट के ऊपर ऐसे छाननी रखना है जिससे हम छान सकें। और जो हमने मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, उसे हम ऐसे छानेंगे। जो भी पाउडरी फॉर्म रहेगा वो ऐसे निकल जाएगा और जो दरदरा पिसा होगा वो लास्ट में छन्नी में ऐसे मिल जाएगा आपको। फिर से आपको उसको पीसना है और फिर से ये रिपीट करना है, फिर से उसको छान लेना है। एट दी एंड आपको ऐसे नीम का पाउडर मिल जाएगा। इसे आप 1 से 1.5 महीने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको समझ गया होगा कि कैसे बनाना है। ग्राइंड करने के बाद आपको एक कंटेनर में डालना है इस तरीके का। ये इतना था, हमने यूज़ करके इसे इतना कर दिया, तो सोचो कि हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा था। जैसा मैंने आपको वीडियो में कहा, आपको पेशेंस चाहिए। ये मेरी मम्मा ने बनाया है हम दोनों बहनों के लिए। लाइट को क्या हो गया आज? हाँ, तो ये हमारी मम्मा ने हमारे लिए बनाया है। उनके पास बहुत पेशेंस है, बहुत, वो हमारे लिए बहुत करती है। आई लव यू मम्मा। हाँ, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, इसका पैक बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है दही। तो मैंने 1 टीस्पून दही लिया, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है। पहले बाउल में मैं डालूँगी। आपको तो पता ही है दही क्या काम करता है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और आपकी ऑयली स्किन भी है तो कम दही डालना, ड्राई स्किन है तो 1 स्पून डालना। दही तो आपकी स्किन ब्राइट करता है, शाइन करता है, मतलब एक चमक छोड़ जाता है दही। इतना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बताना। और नीम का बेनिफिट ये है कि आपके जो डार्क स्पॉट होते हैं, आप देख सकते हो पिंपल आने के बाद ऐसे डार्क स्पॉट, उसे ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। और रिंकल्स होंगे आपके फेस पे तो उसे भी ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके बारे में पढ़ा है कि ये आपकी हेल्प करेगा कि आप यंग दिखो। और क्या, ये गर्ल्स यू कैन डू दिस। और जो दाग धब्बे होंगे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, भी ये रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है ये थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हो। दूध भी बहुत अच्छा कमाल करता है, सबको ही पता होगा। तो चलिए ब्रश के हेल्प से मैं लगा रही हूँ। इससे अच्छा तो मेरे फिंगर से मैं कर लूँ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एलो होली है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ लगाना है, यहाँ पे बहुत ब्लैक हो जाता है। अब तो समर आ रहा है और स्किन की वाट लग जाएगी। ये लगा लिया है, हमें 10 से 15 मिनट रुकना है, उसके बाद वॉश कर लेना है। मिलती हूँ 10 मिनट बाद। तो चलिए 10 मिनट हो चुका है, 10 से 15 मिनट या 17 मिनट तो हो ही चुका है। हम इसे वॉश कर लेते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, सिर्फ पानी से वॉश करना है। उसके ऊपर आपको साबुन या सोप, फेस वॉश या कोई भी वॉश आपको नहीं लगाना है। सिंपल पानी से आपको वॉश करना है और आ जाना है इस तरीके से। आप देख सकते हो अभी से मेरी स्किन ग्लो कर रही है। लुक एट दिस। और मेरी स्किन में अभी सच में आपको बताऊं कि मैं बहुत सॉफ्ट फील कर रही हूँ। मुझे एकदम फ्रेशनेस आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है। आज तक मैंने कितने सारे पैक लगाया, मुझे ऐसा नहीं लगा, मगर इससे मुझे एकदम फ्रेशनेस लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इट्स सो सॉफ्ट। पता नहीं आपको फील कर पा रही हो या नहीं,
नजरों से स्केल कीजिएगा। तो प्लीज इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने ये ट्राई किया, कि आपको ये कैसा लगा, इसका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, पेशेंस था या नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा और अपनी स्किन को पैम्पर कीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गर्ल्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, मगर अब देख रही है वो गर्ल्स है, मुझे पता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ और मुझे दुआओं में याद रख